एक बार मुकुल और बंटी नाम के दो मछुआरे नदी में मछलियां पकड़ने जाते हैं, पर काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी उनके जाल में कोई मछली नहीं फंसती। मुकुल बंटी से कहता है, इतनी देर हो गई लेकिन एक भी मछली पकड़ में नहीं आई। ऐसे ही चलता रहा तो सेठ हमारी सैलरी काट लेगा, और कल भी कम ही मछलियां मिली थी। एक काम करते हैं, समुन्दर से मछली पकड़ कर लाते हैं, सेठ भी खुश हो जाएगा। हाँ, हो सकता है वो खुश होकर हमारी सैलरी बढ़ा दे। दोनों समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते हैं। काफी देर हो जाती है, वहां भी उन्हें कोई मछली नहीं मिलती। दोनों और आगे जाने की सोचते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बंटी कहता है, यहां देखते हैं, यहां तो पक्का मिल ही जाएगी। ठीक है, मैं जाल फेंकता हूँ। ये कहकर मुकुल जाल फेंकता है और इंतजार करने लगता है। तभी उसे दूर खड़ा एक जहाज दिखाई देता है। तभी एक जहाज से भी बड़ी काली मछली, जिसके बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी लाल आंखें, जो दिखने में बहुत भयानक थी और भूतिया लग रही थी, पूरे जहाज को अपने मुंह में डाल के चबा जाती है। मुकुल बंटी से कहता है, अरे बंटी भाई, देखो कितनी बड़ी और भयानक मछली है, पूरा जहाज को खा गई। ये देखकर बंटी डरते हुए कहता है, हे भगवान, इतनी भयानक मछली, चलो यहाँ से भागते हैं, नहीं तो ये हमें भी खा जाएगी। हाँ हाँ, जल्दी से निकलते हैं, चलो। ये कहकर मुकुल अपना जहाज स्टार्ट करता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं और जाकर अपने सेठ को सारी बात बताते हैं। सेठ जी, आज हम मछली पकड़ने समुन्दर में गए थे, वहां हमने एक बड़ी सी मछली देखी जो पूरे के पूरे जहाज को ही खा गई। अच्छा, तो तुम्हें क्यों नहीं खाया उसने, तुम्हें क्यों छोड़ दिया? मैं सच बोल रहा हूँ सेठ जी, चाहे तो बंटी से पूछ लो। हाँ, मैंने भी देखा था, ये सच बोल रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब आज फिर तुम मछली पकड़ कर नहीं लाए और इसीलिए बहाना बना रहे हो। सेठ उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेठ अपने जहाज को व्यापार के लिए भेजता है। मुकुल और बंटी सेठ को जहाज भेजने के लिए बहुत मना करते हैं। सेठ जी, जहाज को मत भेजिए, वहाँ एक बहुत ही भयानक मछली है जो जहाज को खा जाती है। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? अगर जहाज नहीं भेजूंगा तो कमाऊंगा कैसे? सेठ उनकी बातों पर यकीन नहीं करता और जहाज भेज देता है। उसका जहाज भी गायब हो जाता है। उसे लगता है कि ये सब मुकुल और बंटी ने किया है। सेठ उन्हें कहता है, मैं जानता हूँ तुम ही ने मेरे जहाज को गायब किया है। नहीं सेठ जी, हमने गायब नहीं किया। हमने तो आपको पहले ही समझाया था कि वहाँ जहाज मत भेजो, वहाँ एक बहुत ही भयानक मछली है और वो पूरे जहाज को ही खा जाती है। इतनी बड़ी मछली नहीं होती, तुम ही ने जादू टोने से मेरे जहाज को गायब किया है ताकि सब तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लें। उनकी बातें सुनकर सेठ मन में सोचता है, चलकर देख ही लेना चाहिए, अगर ये सच बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद सेठ चलने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चल तो लूंगा, लेकिन अगर मछली मुझे नहीं दिखी तो तुम्हें नौकरी से जरूर निकाल दूंगा। ठीक है, हाँ निकाल देना, हमने मछली देखी थी। कुछ दिनों बाद तीनों उसी जगह पहुंचते हैं। उन्हें दूर एक जहाज दिखाई देता है। सेठ मुकुल से कहता है, कहाँ देखी थी तुमने मछली, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा। अभी रुकिए सेठ जी, कुछ देर में मछली जरूर इस जहाज को खाने आएगी। अच्छा, जहाज खाने वाली मछली। तभी वो मछली पानी से निकलती है और एक जहाज जो बहुत सारे कैदियों को लेकर जा रहा था उसे खा जाती है। कुछ कैदी जहाज से कूदकर भाग जाते हैं। ये देखकर सेठ भी बहुत डर जाता है और वापस आ जाता है। तब मुकुल सेठ से कहता है, देखा सेठ जी, मैंने कहा था ना, ये मछली सच में है। हाँ, तुम सच कह रहे थे, ये तो बहुत ही बड़ी मछली है। इतनी बड़ी मछली को देखकर सेठ बहुत ही परेशान होता है और सोचता है, अगर ये मछली यहीं रही तो मुझे व्यापार करने ही नहीं देगी, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, ना कोई सामान आ पाएगा और ना ही कोई सामान यहाँ से भेज पाऊंगा। शाम को सेठ अपने घर जाता है और उसे परेशान देखकर उसकी पत्नी उससे पूछती है, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? हमारे जहाज को एक बड़ी मछली ने खा लिया, बहुत ही नुकसान हुआ है। एक मछली इतना बड़ा जहाज कैसे खा सकती है? मैं खुद देखकर आया हूँ, वो बहुत ही बड़ी है, आगे व्यापार भी नहीं कर सकता, नहीं तो सभी जहाजों को वो खा जाएगी। मैं एक साधु महाराज को जानती हूँ, वही हमारी मदद कर सकते हैं। दोनों उस साधु महाराज के पास जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। साधु उनकी बात सुनकर अपनी शक्तियों से उस मछली के बारे में पता लगाता है और कहता है,
यह मछली कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि एक भूतिया मछली है, और इसे खत्म करने के लिए तुम्हें उसके मुंह में भगवान हनुमान जी की मूर्ति डालनी होगी, जिससे यह मछली मर जाएगी। ये सुनकर सेठ अपने पुराने खाली जहाज में हनुमान जी की बहुत सारी मूर्तियां रखकर भेजता है और कहता है, तुम्हें मेरी बताई हुई जगह पर जाना है, और जैसे ही मछली जहाज खाने के लिए आए तो तुम जहाज से कूद जाना। ठीक है सर, मैं ऐसा ही करूँगा। जैसे ही मछली जहाज को खाने आती है, कैप्टन जहाज से कूद जाता है। ये देखकर मछली जहाज को खाए बिना ही वापस चली जाती है। ये सब सेठ दूर से देख रहा था। वो काफी परेशान हो जाता है और कहता है, अरे यार, इसने जहाज को खाया क्यों नहीं, अब कैसे मरेगी ये, मुझे साधु महाराज से पूछना पड़ेगा। वो वापस उस साधु के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। साधु अपनी शक्तियों से पता लगाता है और कहता है, जहाज के अंदर जो आदमी होते हैं उन्हें खाती है, इसीलिए उसने वो जहाज नहीं खाया। तो अब इसका क्या उपाय है? साधु कहता है कि जहाज में एक इंसान का पुतला बनाकर रख देना और उस पुतले पर थोड़ा इंसान का खून लगा देना, जिससे वो मछली उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी और जहाज खा जाएगी। सेठ कहता है, ठीक है महाराज जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। सेठ ठीक वैसा ही करता है और जहाज को भेजता है। खून की खुशबू से मछली वहाँ आती है और जहाज के चारों तरफ घूमने लगती है। सेठ दूर से ही अपने जहाज से ये सब देख रहा था। सेठ कहता है, अब इसे खा ले और मर जा। पीछे से मुकुल कहता है, अब की बार तो लगता है खा ही लेगी। मछली पूरे जहाज को खा जाती है। हनुमान जी की मूर्ति मछली के मुंह में चली जाती है, लेकिन मछली को कुछ नहीं होता। ये सब देखकर सेठ मुकुल से कहता है, अरे ये कैसी मछली है, मरने का नाम ही नहीं ले रही, अब हम क्या करें, लगता है महाराज जी के पास फिर से जाना पड़ेगा। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मछली अचानक से ऊपर आती है और हवा में उड़ने लगती है। मछली में आग लगती है और काले रंग का धुआं निकलने लगता है, फिर वो मर जाती है। ये देखकर सेठ बहुत खुश होता है और मुकुल बंटी से कहता है, देखो मर गई ना, अब तुम भी आराम से बिना किसी दिक्कत के मछलियां पकड़ सकते हो। हाँ सेठ जी, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम खूब मछलियां पकड़ेंगे। सेठ अपने व्यापार के लिए जहाज भेज देता है, फिर वो मछली कभी दिखाई नहीं देती।